फिर से लाया हूँ और एक मॉडल के बारे में जानकारी लेकर। हाल ही में ओप्पो ने आज ही लॉन्च कर दिया है ओप्पो रेनो 3 प्रो, जो बहुत ही खूबसूरत दिखने में आपको लगेगा और साथ ही साथ बहुत ही नए नए यूनिक फीचर्स के साथ ये आया है। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से देखते हैं इस पे क्या नया आया है। रेनो 3 प्रो, जी हाँ, ओप्पो रेनो 3 प्रो, जिसका टैगलाइन ओप्पो ने दिया है क्लियर इन एवरी शॉट 44 मेगापिक्सल डुअल पंच होल कैमरा। जी आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में ही आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिल जा रहा है। आज ही से ये मॉडल आपके नजदीकी स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आज ही लॉन्च कर दिया है ओप्पो ने बहुत ही बेहतरीन प्राइस में। प्राइस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। 3 कलर में अवेलेबल है। पहला तो आपका स्काई व्हाइट, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा दिखने में। साथ ही साथ दूसरा कलर है इसका मिडनाइट ब्लैक, और एक कलर जो बहुत ही यूनिक बनाया है वो है अरोरल ब्लू कलर। सो मैं देर नहीं करता हूँ, डायरेक्टली स्पेसिफिकेशन में आ जाता हूँ। तो आते हैं इसके पहले फ्रंट कैमरा के बारे में, जो बहुत ही यूनिक दिया है। हालांकि बोला जाता है इसे वर्ल्ड का पहला ऐसा फोन है जो 44 मेगापिक्सल डुअल पंच होल कैमरा के साथ आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 44 मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा में मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें और एक कैमरा यूज किया गया है, जो है आपका 2 मेगापिक्सल फॉर हार्डवेयर लेवल बुके इफेक्ट देने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह का इसका सेल्फी कैमरा है। बात करते हैं सेल्फी में, आपको 44 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जा रहा है, जिससे आप बहुत ही बेहतरीन क्लियरिटी में पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें एक एक डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके दूसरे कैमरा की, जो आपको मिल रहा है पोर्ट्रेट इफेक्ट के लिए, जिससे आप पोर्ट्रेट लेवल का जो डेंसिटी लेवल है आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं इस कैमरा की, इस कैमरा में आपको वीडियो बोके मोड भी मिल जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से वीडियो बोके इसमें काम कर रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके कैमरा को इस बार डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ आपको फ्रंट कैमरा में भी इस बार नाइट मोड मिल रहा है, यानी कि आप लो लाइट में भी एक ब्राइटर तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। और बात करूं तो इसमें मोर में जाने के बाद आपको पैनोरामा शॉट भी मिल जा रहा है, कुछ स्टिकर्स मिल जा रही है और टाइम लैप्स जैसा ऑप्शन मिल जाता है। अब आते हैं इसके बैक कैमरा में। बात करते हैं इसके रियर कैमरा की, तो रियर में यूज किया गया है 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा। जी हाँ, 64 मेगापिक्सल इस बार यूज किया गया है। बात करते हैं इसके पहले कैमरा की, तो इसमें जो पहला कैमरा आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस के साथ जो आ रहा है, जो आपको मदद करेगी 5x हाइब्रिड जूम के साथ साथ 20x डिजिटल जूम लेने में ये मदद करेगी। बात करते हैं दूसरे कैमरे की, तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस, जो आपको मदद करेगी अप टू 108 मेगापिक्सल तक का फोटो कैप्चर करने में। जी हाँ, सही सुना आपने, 108 मेगापिक्सल। बात करते हैं तीसरे कैमरा की, तो यहाँ पे तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल यूज़ किया गया है, जो आपको मोनो लेंस का काम करेगा, जिससे आप बेहतरीन अलग अलग ब्लैक एंड वाइट के पोर्ट्रेट इफेक्ट में फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। आखिरी कैमरा जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खास है, जो मिल रहा है आपको 8 मेगापिक्सल का, जो आपको मदद करेगी वाइड एंगल लेंस के साथ आ रहा है, 119 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू आप इससे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे आप मैक्रो लेंस का भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी क्लोजर 3 सेंटीमीटर का क्लोज पिक्चर आप क्लियरिटी के साथ साथ कैप्चर कर सकते हैं।
वाइड एंगल के लिए आपको 119 डिग्री का मिल जा रहा है, साथ ही साथ पोर्ट्रेट के लिए यानी कि बुके इफेक्ट के लिए भी ये कैमरा आपका काम करेगा। बात करते हैं इसमें मोड्स की, तो बहुत सारे मोड्स मिल जा रहे हैं, जैसे अल्ट्रा नाइट मोड नहीं बल्कि यहाँ पे मिल जा रहा है आपको अल्ट्रा डार्क मोड। जी हाँ, अगर आपका लाइट कंडीशन 1 लक्स से भी नीचे या 1 लक्स के बराबर है तो वहाँ पे आपका अल्ट्रा डार्क मोड यानी कि 0 लाइट कंडीशन में भी आपको ब्राइटर तस्वीर प्रोवाइड करेगी। बात करते हैं वीडियो में, तो इस बार वीडियो में भी आप 1080 के साथ साथ 4K रेजोल्यूशन एंड 720 विथ 60 FPS के साथ आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। वीडियोग्राफी के लिए आपको वीडियो बुके मोड का ऑप्शन मिल जा रहा है, साथ ही साथ इसमें आपको मिल रहा है अल्ट्रा स्टेडी प्रो यानी कि अल्ट्रा स्टेडी वीडियो 2.0 का फीचर। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, आप आराम से किसी भी मूविंग टाइम में स्टेबल वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रो यूज़ किया गया है जिससे आप वाइड एंगल में भी आप स्टेबल वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खास फीचर्स इस बार आपको देखने को मिल रहा है फॉर वीडियोग्राफी के लिए। बात करते हैं पोर्ट्रेट के लिए, तो पोर्ट्रेट में आपको बहुत सारे स्टाइल्स के आपको ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट्स मिल जा रहे हैं जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आते हैं कुछ खास फीचर्स में, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे मोर फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं, जैसे कि एक्सपर्ट मोड जहाँ पे आप एक्स्ट्रा HD ऑन करके अप टू 108 मेगापिक्सल का फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, और भी जितने भी एक्सपर्ट टाइप यानी कि प्रोफेशनल टाइप के फोटोग्राफ आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मोर में आपको स्टिकर्स मिल रहा है, पैनोरामा शॉट आप क्लिक कर सकते हैं, टाइमलेस का ऑप्शन मिल जा रहा है, और साथ ही साथ स्लो मोशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ओवरऑल बात करते हैं कैमरा की, तो बहुत ही बेहतरीन कैमरा के साथ ओप्पो रेनो 3 प्रो इस बार आ रहा है, यानी कि एक फ्लैगशिप मॉडल आपको बहुत ही कम रेंज में बहुत ही यूनिक कैमरा फीचर्स के साथ अवेलेबल हो गया है। सो है ना एक्सपर्ट कैमरा। बात करते हैं इसमें टेलीफोटो लेंस की, तो ये आपको मदद करेगा 5x हाइब्रिड के साथ साथ 20x डिजिटल जूम लेने में। तो ये हमारा वाइड एंगल है, अगर मैं 1x तक जैसे करूँगा ये थोड़ा नज़दीक चला जाएगा, और एक क्लिक करने पे आपको नज़र आएगा 20x, साथ ही साथ अगर और एक बार करूँ तो 5x का हाइब्रिड जूम यानी कि 5x में भी अगर आप कैप्चर करते हैं तो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जा रहा है मैक्सिमम 20x जूम जिससे आप दूर पे लिखी किसी भी चीज़ को आराम से क्लैरिटी से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप 20x जूम का पिक्चर, और ये है आपका 5x हाइब्रिड जूम का पिक्चर। और भी बहुत सारे पिक्चर्स मैं क्लिक करके आपको एंडिंग में शेयर कर दूंगा। कैमरा के बाद आते हैं इसके डिज़ाइन में, तो इस बार ओप्पो ने ओप्पो रेनो 3 प्रो में यूज़ किया है 6.4 इंच का फुल HD प्लस E3 सुपर एमोलेड स्क्रीन। जी हाँ, इस बार पहली बार ओप्पो ने लाया है सुपर एमोलेड स्क्रीन विद E3 सनलाइट प्रोटेक्शन। साथ ही साथ बात करते हैं इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो इसमें आपको मिल जा रहा है 91.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात करते हैं इसके प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको मिल जा रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। जी हाँ, इस बार इसका फिंगरप्रिंट जो है आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा जो बहुत ही फास्ट है, यानी कि 0.30 सेकेंड में ही ये अनलॉक हो जाएगा। बात करते हैं पीछे की, तो बैक में आपको 3 कलर में इस बार अवेलेबल है, जैसा मैंने पहले ही कहा आपको मिडनाइट ब्लैक, स्काई वाइट और अरोरल ब्लू कलर में। और बात करते हैं इसके बैक में, तो इस बार बैक में इसके कैमरा को अनबल्ज की जगह बल्ज दिया गया है, लेकिन खास चीज़ जो दिया गया है इसका ग्लास प्रोटेक्शन, इसमें यूज़ किया गया है सफायर ग्लास। इस बार कैमरा में जो यूज़ किया है ओप्पो वालों ने सफायर ग्लास। सो ओवरऑल बात करूँ डिज़ाइन के मामले में, तो बेस्ट डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीन में आपको मिल जा रहा है आई प्रोटेक्शन जो बहुत ही अच्छे TUV सर्टिफाइड है, जिससे आपका आँख लंबे समय तक आप फोन यूज़ करते हो या लो लाइट में आप यूज़ करते हो, रात के वक्त यूज़ करते हो, तो आपका जो आईज है प्रोटेक्टिव रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको OSIE विजन इफेक्ट भी मिल रहा है, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आप कोई भी वीडियोस वगैरह जैसे TikTok या कोई वीडियो प्लेयर में आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ही और भी कलर के साथ देखने को मिल जाएगा।
तो ओवरऑल बात करती हूँ डिज़ाइन की, तो बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन के साथ आ रहा है। बात करते हैं इसके डिज़ाइन में, सबसे खास चीज़ जो है इसका वेट, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 175 ग्राम वेट के साथ आ रहा है, जो बहुत ही लाइट वेट है। आप इसे लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं और ग्रिपिंग के लिए भी ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये बहुत ही पतले यानी कि बहुत स्लिक डिज़ाइन के साथ आ रहा है, मात्र 8.1 mm। जी हाँ, सही सुना आपने, 8.1 mm, जिसे आप आराम से होल्ड कर सकते हैं और लंबे समय तक आप कैरी कर सकते हैं अपने हाथों में। सो है ना ये बेस्ट फ़ोन। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो इस बार आपको इस फ़ोन में मिल जा रहा है एंड्रॉयड 10 का वर्ज़न। जी हाँ, इस बार आपको एंड्रॉयड 10 का वर्ज़न मिल जा रहा है, साथ ही साथ आपको इसमें मिल जाएगा कलर ओएस 7 का अपडेटेड फीचर, जिसमें बहुत सारे यूनिक एंड लाइट वेटेड फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं, ये फ़ोन जो है आपका 8GB रैम एंड 128GB रोम के साथ आ रहा है विथ ट्रिपल कार्ड स्लॉट। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो इस बार ओप्पो ने यूज़ किया है मीडियाटेक का एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर, मीडियाटेक हेलियो P95। जी हाँ, हेलियो P95 जो सिर्फ इस फ़ोन के लिए अभी तक डिज़ाइन किया गया है। बात करते हैं इसमें बैटरी की, तो इसमें यूज़ किया गया है 4025 mAh का बैटरी, और उसे चार्ज करने में बहुत ही कम समय लगने वाला है, क्योंकि इस बार ओप्पो ने यूज़ किया है वूक फ्लैश चार्ज 4.0, जो बहुत ही कम समय में आपका फुल चार्ज करेगा। बात करते हैं टाइमिंग की, तो सिर्फ 20 मिनट में ये 50% चार्ज कर देगा और 0 to 100% करने में मात्र 56 मिनट यानी कि 56 मिनट्स लगेगा, क्योंकि इस बार जो चार्जर यूज़ किया गया है वूक फ्लैश चार्ज जो 30 वाट के साथ आ रहा है। सो बहुत ही बेस्ट चार्जर के साथ ये आ रही है। सो होप आप लोगों को ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में आ चुका है, आज ही से आपका मार्केट में लॉन्च हो चुका है ये ओप्पो रेनो 3 प्रो। तो आशा करता हूँ आपको ये फीचर्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन को प्रेस करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।